दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज का प्रश्न है कॉलवेज समेट अभिक्रिया। तो दोस्तों यह रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आप इस रिएक्शन को अच्छे से याद कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रिएक्शन किस प्रकार की है। तो देखिए दोस्तों, जब सोडियम फिनोऑक्साइड को CO2 के साथ यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बंध नली में 130 डिग्री से 140 डिग्री ताप पर उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसे अम्लीकृत करने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कॉलवेज समेट अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इसकी बहुत ही आसान भाषा में रिएक्शन की डेफिनेशन बनी है। इसके बाद अब देखते हैं रिएक्शन। तो देखिए दोस्तों, इसमें सोडियम फिनोऑक्साइड लिया, इसमें हम जानते हैं बेंजीन में यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, तथा यहाँ और यहाँ भी H, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 H होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ क्या लिखा है, O N A और यहाँ पर H प्लस CO2 उच्च दाब और उच्च ताप पर तथा 130 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस ताप ले लिया है। अब इसको गर्म करते हैं तो देखिए दोस्तों क्या बनता है। तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जैसे कि रिएक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा है। तो ये CO2 क्या ऐसे लिख दिए COO और आंशिक बॉन्ड लगा दिया और Na लिख दिया। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर एक H है, इस H को यहाँ पर ले गए, इस H को यहाँ पर और इसको यहाँ पर। तो इसके बाद में फिर HCl से अभिक्रिया कराई, तो HCl ये यहाँ से टूट गया, यानी आंशिक हैं ये वाले, तो आंशिक को ऐसे टूटते हैं। और इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर OH ऐसा कैसा, अब ये H जुड़ गया है यहाँ पर, प्लस NCl प्राप्त हो गया। तो इसमें क्या प्राप्त हुआ, सैलिसिलिक अम्ल, इसे क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मिस्टर सचिन टीच को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।